अक्सर सुर्खियों में रहने वाला नाहन मेडिकल कॉलेज एक बार फिर विवादों में आ गया है। इस मर्तबा मरीजों के खाने में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। मरीजों की थालियों से कीड़े निकलने पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाला नाहन मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से विवादों में आ गया है। इस बार मरीजों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। नाहन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को जो खाना परोसा जा रहा है उसमें पिछले 3-4 दिनों से कीड़े निकल रहे हैं। इस संदर्भ में मरीजों ने कॉलेज प्रबंधन को भी शिकायत की है। खाने में कीड़े मिलने से मरीज अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। अपनी सेहत सुधारने के लिए अस्पताल में दाखिल कई मरीजों की थालियों में कीड़े निकले। भोजन परोसने वालों को मरीजों ने इस बारे में मौखिक तौर पर अवगत भी करवाया, लेकिन किसी तरह का सुधार नहीं हो पाया। मरीजों ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को भी इस मामले से अवगत करवाया है। ये कीड़ा कब निकला? कल निकला जी, कल शाम को जब खाना। तो आपने किसी को शिकायत करी? मैं उनको जहाँ उनका हुआ है उनको बोला, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करो ना जी, किसने रहना है यहाँ, कल से ठीक करेगा। दीपू जी, मेरा नाम खाने में मिल गया कीड़ा। अच्छा, कब मिला है? अभी मिला है, कल भी मिला, कल भी मिला, उसकी थाल में मिला कल। सर जी ने बोला है कि जिसने इलाज करवाना है यहाँ पर करवाए, नहीं तो अपने घर घर जाए। ये बात किसने बोली है? सर जी ने बोली है। सर जी कौन? सिक्योरिटी वाला जी, सिक्योरिटी वाला जी। कीड़े भी बोलते हैं तो जो कीड़े निकला है सब में निकला है, ये हर प्लेट तकरीबन सबके प्लेट में। मेरा नाम सोमदत्त है, मेरे कीड़ा निकला। अच्छा, दाल में निकला, आज ही निकला है, ये पहले भी निकला है? नहीं, आज ही निकला है। मामले में नाहन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के पराशर ने बताया कि उन्हें मरीजों से इस मामले की शिकायत मिली है और मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है जो खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई की देखरेख करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वे खुद भी समय समय पर खाने की जाँच करते हैं और जाँच के बाद ही मरीजों को खाना परोसा जाता है, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। कल एक पेशेंट ने मेरे से शिकायत की थी कि इस तरह से कोई खाने में उसको कीड़ा मिला है, हालांकि मैंने देखा नहीं क्या था उसमें क्या नहीं था। कीड़ा का उसने शिकायत की है तो हमने उसकी जांच के लिए बता दिया। आज सुबह हमने इंस्पेक्ट भी किया, किचन का सारा इंस्पेक्शन किया हमने, तो इंस्पेक्शन के दौरान कुछ ऐसी कोई बात सामने नज़र नहीं आई हमें, लेकिन फिर भी हमने हिदायत दी हुई है कि आगे से इस तरह की ना हो। उसके लिए हमने एक टीम भी बनाई हुई है, वो रेगुलरली विजिट करेगी और खाना जब बनता है तो डेली चेक भी होता है हमारे यहाँ। उसमें हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मैट्रन, इवन मेडिकल सुपरिटेंडेंट खुद इसको चेक करता है खाना क्या बना है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।